नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक के चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यू टेक ईजी में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने फोटोशॉप वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बैकग्राउंड को चेंज करना, फोटो को स्मूथ करना, स्किन को स्मूथ करना, ब्लर इफेक्ट देना, बहुत सारे इफेक्ट बताए थे कि बैकग्राउंड को ब्लर करना, ब्लर के लिए अलग से कैमरा। इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, आपकी मात्र 30 सेकंड के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड भी चेंज, आपकी स्किन भी स्मूथ हो जाएगी, आपका बैकग्राउंड ब्लर करना चाहे तो ब्लर भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना होगा, आप अपने हेयर का कलर करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या 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 आपको कुछ भी बिल्कुल मतलब कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं कि सिंगल कलर पर ही आपका जो बैकग्राउंड हो, मतलब सिंगल कलर का हो तभी चेंज होगा बैकग्राउंड। मल्टीपल कलर का भी होगा, आपको कटिंग वटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक इस ऐप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह खुद ही कटिंग करे, खुद ही उसको स्मूथ करे, सारा काम इसका खुद का है। मात्र 30 सेकंड के अंदर आप इसमें बना सकते हैं, 30 या फिर 2 मिनट जितना आप थोड़ा सा यदि 1-2 मिनट का टाइम दे दोगे तो आपके फोटो और प्रोफेशनल आपके मुताबिक आप जो चाहोगे वैसे बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और पास में आने वाले बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आने की सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्ले स्टोर में जाकर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं प्ले स्टोर में इस बार नहीं जाने वाला हूँ, मैंने पहले के लिए टेलीपोर्ट आपको आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीपोर्ट आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। देखिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में यदि आपने छोड़ा तो, क्योंकि इस तरह के जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के जो एप्लीकेशन आते हैं यदि आप उनको बीच में छोड़ देते हो तो इसके काफी सारे पार्ट्स रह जाते हैं, फिर आपकी फोटो अच्छे से नहीं बन पाती है और इसमें कुछ दिक्कतें आने लग जाती है। फिर आप वीडियो पर कमेंट डालोगे फेक 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 वाले, कुछ नहीं होती है इस चैनल पर। जितने भी ऐप बताए हैं वो मैंने पहले खुद ने यूज किए फिर आपको बताए हैं। सबसे पहले टेलीपोर्ट पर इस तरह से क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, गैलरी से इसकी फोटो ले लेते हैं, या फिर आप जो है कैमरा सिलेक्ट आएगा तो कैमरे से ले सकते हैं, गैलरी से सिलेक्ट कर लेते हैं। गैलरी से सिलेक्ट करने के बाद में कहीं से भी जहां पर आपकी फोटो हो, मान लीजिए मैं कोई फोटो ले लेता हूं, मेरे पास यहां से व्हाट्सएप प्रोफाइल से मैं एक फोटो ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाली कोई किसी की प्रोफाइल है, ये वाली फोटो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद में देखिए ये फोटो आपको दिख रही है। इसके बाद में क्या करते हैं, इसको ऊपर राइट वाला बटन आया उस पर क्लिक कर लीजिए, जितना क्रॉप करना चाहिए तो कर लीजिए, मैं क्रॉप नहीं रहने देता हूँ, इस पर राइट वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए। राइट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से प्रोसेस जो है हो रही है, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब 10 से 15 सेकंड का टाइम लग सकता है। तो ये देखिए इस तरह से जो है प्रोसेस हो रही है, और जैसे प्रोसेस कंप्लीट होने हो जाती है तो आप इस फोटो पर जैसा चाहे वैसा इफेक्ट दे सकते हो, जो चाहे वो इफेक्ट दे सकते हो। आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप इसका हेयर में कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। हेयर को प्रॉपरली कलर चेंज करेगा, स्किन को भी स्मूथ कर देगा, कुछ भी आपको जो है करने की जरूरत नहीं। तो देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, मान लीजिए बैकग्राउंड चेंज करना, तो इधर बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिए, वो बैकग्राउंड देखिए ऑटोमेटिक ही कट हो चुका है। आप जो चाहे इसका बैकग्राउंड देखिए चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में हम क्या करते हैं, आपको अलग से अपना बैकग्राउंड चाहिए तो इधर आप जैसे ही क्लिक करोगे स्किन कलर को क्लिक करने के बाद में इधर साइड में ऑप्शन आएगा कस्टम बैकग्राउंड। कस्टम बैकग्राउंड के लिए आप गैलरी में चले जाइए और यहाँ से आप जो बैकग्राउंड चाहे वो ले सकते हैं। मान लीजिए कोई भी बैकग्राउंड आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, मेरे पास जो है अभी बैकग्राउंड जो है खास कोई अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी मैं आपको एक लेकर बता ही देता हूँ, कोई सिंपल सा बैकग्राउंड आपको लेकर बता देता हूँ। तो आप जो चाहे उस तरह का जो है बैकग्राउंड ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड है वो मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, और उसके बाद में राइट क्लिक कर देते हैं ऊपर की तरफ, और इस तरह से कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको सिंपली जो है राइट क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे, देखिए इस तरह से इसके पीछे का जो है बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट किया था वो आ चुका है। अब आप इसको चाहो जितना जो है अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, जितना चाहो कर सकते हो, और इस तरह से देखिए आप कर सकते हो। उसके बाद में अभी आप हेयर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, स्किन कलर के बाद में आएगा। स्किन कलर का सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे स्किन के कलर है वो आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। देखिए ब्लू वाला कलर आपको कहीं चाहिए होता है अपनी स्किन पर, जैसे कृष्ण भगवान वगैरह की जो हम तस्वीरें एडिट करते हैं तो वहाँ पर चाहिए होता है। सिंपल में अभी जो है नॉर्मली रहने देने वाला हूँ। बैकग्राउंड पर आप जो मैंने बताई दिया अभी, और हेयर कलर पर आप जाओगे तो जो चाहे हेयर आप जैसे रेड वाला करते हैं तो रेड वाला हो जाएगा, ये ब्लैक वाला करते हैं तो ब्लैक वाला हो जाएगा। इस तरह से जो आप कलर करना चाहो वो जो है देख प्रॉपरली चेंज होगा। मैं अभी ब्लैक ही रहने देने वाला हूँ। उसके बाद में देखिए आप एक स्किन वाला मैंने आपको बता दिया, हेयर कलर वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इस तरह से देखिए अपनी 3x3 की साइज में अपनी जो है एल्बम टाइप फोटो बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो,
दो में भी बना सकते हो। उसके बाद में हेयर कलर जो है बता दिया, उसके बाद में बैकग्राउंड मैंने बता दिया, स्किन कलर मैंने बता दिया, कस्टम बैकग्राउंड, और उसके बाद में बैकग्राउंड ब्लर वाला और देख लीजिए। अब आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल ही। देखिए इस यहाँ से जितना मेंटेन करना चाहो देखिए इतना ज्यादा ब्लर हो सकता है। देखिए बैकग्राउंड कितना ब्लर हो चुका है, देखिए कितना स्मूथ हो चुका है, ये देखिए। इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को सिंपली ब्लर भी कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये बहुत ही काम का एप्लीकेशन था, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन था, बहुत आसानी से आप इसमें अब सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जो तीर वाला चिन्ह आपको दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पर या फिर डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करने के लिए आप इस तरह से जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये सेव हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।